हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिस डेंट फिजिकल फार्मास्यूटिक सेकेंड के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 माइक्रोमेरेटिक्स के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इस सब्जेक्ट का कोड है हमारा BP403T। मेरा नाम है डॉक्टर महमताप सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। ब्लैंक इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल। इसमें से कौन सी हमारे स्मॉल पार्टिकल की साइंस और टेक्नोलॉजी है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा रियो, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोस्कोपी, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोमैरेटिक्स और अंतिम ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो अगर हम स्मॉल पार्टिकल्स की जो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में बात करते हैं तो यहां पे करेक्ट आंसर है दैट इज द सी माइक्रोमैरेटिक्स। जो हमारी माइक्रोमैरेटिक्स है उसमें हम लोग जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, या हम कह सकते हैं माइक्रोमैरेटिक्स इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द टर्म माइक्रोमैरेटिक्स वॉज गिवन बाय, जो हमारा शब्द है माइक्रोमैरेटिक्स ये किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा JM डाला वाले, दूसरा ऑप्शन है हमारा जेम्स कैल्विन, तीसरा ऑप्शन है हमारा विलियम प्रॉक्टर और अंतिम ऑप्शन है ML सराफ। तो अगर हम जो हमारा शब्द होता है माइक्रोमैरेटिक्स उसके बारे में बात करते हैं तो इस शब्द को इंट्रोड्यूस किया गया था या दिया गया था बाय द ए JM डालावाला के द्वारा, ये शब्द इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द यूनिट ऑफ पार्टिकल साइज यूज्ड इन, जो हमारा माइक्रोमैरेटिक्स है उसमें जो हमारे पार्टिकल साइज है उसकी हम लोग कौन सी यूनिट अधिकतर यूज करते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है हमारा सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है हमारा मिलीमीटर और अंतिम ऑप्शन है माइक्रोमीटर। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द माइक्रोमैरेटिक्स तो उसमें जो हमारे पार्टिकल का साइज होता है जिसमें हम अपनी स्टडी वगैरह को करते हैं उसके लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो हमारी माइक्रोमीटर होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द डी माइक्रोमीटर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू, जो हमारा 1 माइक्रोमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। 10^-5 मीटर के, दूसरा ऑप्शन है हमारा 10^-6 मीटर के, तीसरा ऑप्शन है 10^-7 मीटर के और अंतिम ऑप्शन है हमारा 10^-8 मीटर के। तो अगर हम 1 माइक्रोमीटर के बारे में बात करते हैं तो वो 10^-6 मीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी 10^-6 मीटर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनकी कौन सी प्रॉपर्टी उसके जो होता है फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर या उसको उसका जो होता है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी उसको अफेक्ट करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा डेंसिटी, दूसरा ऑप्शन है हमारा साइज, तीसरा ऑप्शन है हमारा सरफेस एरिया और अंतिम ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो अगर यहां पे हम इसके ये अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर के बारे में बात करते हैं तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द डी बोथ बी एंड सी। अगर आपको ऑप्शन में ये दिया रहता है कि जो अंतिम ऑप्शन है हमारा बोथ बी एंड सी, अगर इसके प्लेस पे कुछ और दिया रहता है तो उस समय जो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होगा दैट इज द सी सरफेस एरिया। तो जो हमारा होता है सरफेस एरिया वो हमारे पार्टिकल्स की जो होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है और उसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद हमारा साइज भी इसको इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज़ द डी बोथ बी एंड सी। और अगर ऑप्शन में बोथ बी एंड सी ना होता, इसके प्लेस पे कुछ और होता तो हमारा जो आंसर होता वो होता सी सरफेस एरिया। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस द साइज ऑफ द पार्टिकल इन ए मीनिंगफुल डायमीटर बिकॉज, जो हमारे होते हैं पार्टिकल्स होते हैं अगर हम उसके साइज के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग प्रॉपरली डायमीटर से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसका क्या कारण होता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इररेगुलर शेप,
दूसरा ऑप्शन है हमारा इररेगुलर सरफेस, तीसरा ऑप्शन है हमारा स्फेरिकल शेप, और अंतिम ऑप्शन है हमारा यूनिफॉर्म साइज। तो जो हमारे होते हैं फार्मास्यूटिकल पाउडर्स होते हैं या फार्मास्यूटिकल पार्टिकल्स होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो पॉली डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं, उसमें हमें अलग अलग साइज के पार्टिकल देखने को प्राप्त होते हैं। तो अगर हम एक तरह से जो हमारे पार्टिकल हैं उनके डायमीटर के बारे में बात करते हैं, तो उनको हम लोग प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो उनका शेप होता है वो काफी इररेगुलर हमें देखने को प्राप्त होता है। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, इररेगुलर इन शेप। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ दीज डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर इम्पॉर्टेंट इन द डिजाइनिंग ऑफ द डोजेज फॉर्म। इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट होता है जब हम अपने डोजेज फॉर्म को डिजाइन करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला है हमारा डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, और अंतिम ऑप्शन है हमारा वेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हम कोई भी अपनी डोजेज फॉर्म को डिजाइन करते हैं तो उस कंडीशन में जो उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसको हम लोग अपने कंसिडरेशन में रखते हैं। तो यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द डी, वेट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच इक्वेशन इज यूज टू कन्वर्ट द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन टू वेट डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा नंबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको वेट डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा नॉइज विटनी इक्वेशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा हैच चोटे इक्वेशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन, और अंतिम ऑप्शन है हमारा हिगुची इक्वेशन। तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सी इक्वेशन हमारे नंबर डिस्ट्रीब्यूशन से हमको वेट डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, हैच चोटे इक्वेशन जो हमारी है ये हमें हेल्प करती है नंबर डिस्ट्रीब्यूशन को वेट डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द कोल्टर काउंटर इज यूज टू डिटरमाइन, जो हमारा कोल्टर काउंटर मेथड होता है उसको हम लोग किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा पार्टिकल वॉल्यूम, दूसरा ऑप्शन है हमारा पार्टिकल नंबर, तीसरा ऑप्शन है हमारा पार्टिकल इंटरेक्शन, और अंतिम ऑप्शन है हमारा विस्कोसिटी। तो अगर हम कोल्टर काउंटर मेथड के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो भी हमारा एक तरह से पार्टिकल का सैंपल होता है उसको हम लोग एक स्मॉल ओरिफिक से पास करते हैं, और जो हमारा ओरिफिक है उसके दोनों साइड हम एक एक इलेक्ट्रोड अटैच कर देते हैं। तो उस कंडीशन में जब हमारा पार्टिकल हमारे ओरिफिक के पास में आता है तो वो अपने वॉल्यूम के इक्वल जो हमारा ओरिफिक है वहां से लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, जिसके कारण कि वहां पे हमें एक रेसिस्टेंस देखने को प्राप्त होता है, और उसी रेसिस्टेंस को यूज करके हम वहां पे अपने पार्टिकल का वॉल्यूम डिटरमाइन करते हैं। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, पार्टिकल वॉल्यूम को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कोल्टर काउंटर मेथड को यूज करते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन द कोल्टर काउंटर अपरेटस इज एम्प्लॉयड फॉर द पाउडर एनालिसिस द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा वो डिस्पर्सन मीडियम शुड बी कलर्ड, दूसरा ऑप्शन है हमारा डिस्पर्सन मीडियम शुड बी कंडक्टिव, तीसरा ऑप्शन है हमारा वो सस्पेंडेड पार्टिकल शुड बी चार्ज, और अंतिम ऑप्शन है हमारा वो सस्पेंडेड पार्टिकल शुड बी स्फेरिकल। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द कोल्टर काउंटर अपरेटस के बारे में, तो उस कंडीशन में जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम होता है जिसके अंदर हम अपने पार्टिकल को एक तरह से सस्पेंडेड करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम है वो वहां पे कंडक्टिव होना चाहिए, जिससे कि जो हमारा वहां पे है जो हमने वहां पे इलेक्ट्रोड अटैच किए हैं उनके बीच में हमें एक प्रॉपर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस देखने को प्राप्त हो। तो यहां पे हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज द बी, डिस्पर्सन मीडियम शुड बी कंडक्टिंग होना चाहिए। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इन कोल्टर काउंटर एज द पार्टिकल ट्रेवल थ्रू द ऑर्फिक द इवेंट दैट अकर इज, जब हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो ऑर्फिक के थ्रू ट्रेवल करते हैं तो जो हमारा कोल्टर काउंटर इक्विपमेंट होता है उसमें क्या होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है वो कंडक्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर प्रोड्यूस फोटोग्राफ फॉर द वॉल्यूम मेजरमेंट,
तीसरा ऑप्शन है हमारा रेसिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इंक्रीज, और अंतिम ऑप्शन है हमारा वो सेडिमेंटेशन इंक्रीज। तो अगर हम बात करते हैं कि जब हमारे पार्टिकल हमारे ओरिफिक के पास में आते हैं, वहाँ से जो लिक्विड है उसको अपने वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस करते हैं, तो वहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोड अटैच किए हैं उनके बीच में जो है रेसिस्टेंस वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, और उसी को हम लोग बेसिकली वहाँ पे मेजर करते हैं और उससे हम अपने पार्टिकल के वॉल्यूम को कोरिलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, रेसिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इंक्रीज। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द रेशियो ऑफ मास ऑफ द पाउडर टू द बल्क वॉल्यूम इज नोन एज, जो हमारे पार्टिकल का या हमारे पाउडर का जो मास होता है और जो उसका बल्क वॉल्यूम होता है उसके बीच का रेशियो क्या होता है, या हम सिंपली कह सकते हैं मास ऑफ द पाउडर अपॉन बल्क वॉल्यूम क्या होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा बल्क डेंसिटी, दूसरा ऑप्शन है हमारा टैप डेंसिटी, तीसरा ऑप्शन है हमारा पोरेसिटी, और हमारा चौथा ऑप्शन है दैट इज द ग्रेन्यूल वॉल्यूम। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द मास ऑफ द पाउडर अपॉन बल्क वॉल्यूम के बारे में, तो उसको हम लोग बल्क डेंसिटी कहते हैं। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, बल्क डेंसिटी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द टाइप ऑफ द पार्टिकल डायमीटर ऑब्टेन्ड बाई माइक्रोस्कोपिक मैथड, जो हमारा माइक्रोस्कोपिक मैथड होता है उसमें जब हम अपने पार्टिकल का डायमीटर डिटरमाइन करते हैं तो वो किस टाइप का होता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा दैट इज द सरफेस वॉल्यूम डायमीटर, दूसरा ऑप्शन है हमारा वॉल्यूम सरफेस डायमीटर, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रोजेक्टेड डायमीटर, और अंतिम ऑप्शन है स्टॉक्स डायमीटर। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है पार्टिकल का डायमीटर जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप को यूज करके डिटरमाइन करते हैं उसको हम लोग प्रोजेक्टेड डायमीटर कहते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर हैविंग द सेम सरफेस एरिया एज द पार्टिकल एंड इट इज एक्सप्रेस मीन्स, अगर कोई हम स्फेयर लेते हैं उसका जो हमारा सरफेस एरिया है वो अगर हमारे पार्टिकल के सरफेस एरिया के इक्वल होता है तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सरफेस डायमीटर, दूसरा ऑप्शन है हमारा वॉल्यूम डायमीटर, तीसरा ऑप्शन है प्रोजेक्टेड डायमीटर, और अंतिम ऑप्शन है स्टॉक्स डायमीटर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और आसान कर लेते हैं, इसको और अच्छे से देख लेते हैं। ये क्या पूछ रहा है कि अगर कोई हमारे पास स्फेयर है, कोई हमारे पास ऐसा पार्टिकल है जो स्फेरिकल है जिसका जो डायमीटर है हमको नोन है, तो उस कंडीशन में अगर उसका जो है सरफेस एरिया वो जो हमारा पार्टिकल है जिसका हमें डायमीटर निकालना है उसके इक्वल है तो उस कंडीशन में जो हमारा डायमीटर होगा स्फेयर का वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, सरफेस डायमीटर वो कहलाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। द डायमीटर ऑफ ए स्फेयर हैविंग द सेम वॉल्यूम एज द पार्टिकल इट इज एक्सप्रेस्ड एज, जो इस कंडीशन में अगर एक हमारे पास स्फेयर है और उसका जो वॉल्यूम है हमारे पार्टिकल के वॉल्यूम के इक्वल है तो उस स्फेयर का डायमीटर क्या कहलाएगा हमारे पार्टिकल के लिए। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा सरफेस डायमीटर, दूसरा ऑप्शन है हमारा वॉल्यूम डायमीटर, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रोजेक्टेड डायमीटर, और अंतिम ऑप्शन है स्टॉक्स डायमीटर। तो इस कंडीशन में अगर जो हमारा स्फीयर है और जो हमारा पार्टिकल है अगर उसका वॉल्यूम सेम है तो उस कंडीशन में जो हमारा स्फीयर का डायमीटर है वो हमारा एक तरह से वॉल्यूम डायमीटर कहलाता है। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, वॉल्यूम डायमीटर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ब्लैंक इज द लेंथ ऑफ ए लाइन दैट बाइसेक्ट द पार्टिकल इमेज, जो हमारे पार्टिकल की इमेज है उसको बाइसेक्ट करने के लिए काटने के लिए अगर हम एक लाइन को खींचते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा ये मेथड है वो हमारा कौन सा डायमीटर कहलाता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है हमारा दैट इज द फेरेट्स डायमीटर, दूसरा ऑप्शन है हमारा मार्टिन डायमीटर, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रोजेक्टेड डायमीटर, और अंतिम ऑप्शन है स्टोक्स डायमीटर। तो अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है उसकी हमारे पास इमेज है उस कंडीशन में अगर हम उसके ऊपर एक लाइन खींचते हैं तो उस कंडीशन में वो हमारा मार्टिन डायमीटर कहलाता है। और हम इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि हम जितनी भी इमेज अपने पार्टिकल्स की लेते हैं उस कंडीशन में जो हमारा एंगल होता है हमारे पार्टिकल को बाइसेक्ट करने के लिए जो हमारी लाइन होती है उसका जो एंगल
एंगल होता है वो हम हर पार्टिकल के लिए सेम रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज द मार्टिन्स डायमीटर, आंसर नंबर बी मार्टिन्स डायमीटर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द डायमीटर ऑफ एन इक्विवेलेंट स्फीयर अंडरगोइंग द सेडिमेंटेशन एट द सेम रेट एज द पार्टिकल एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज, अगर हमारे पास कोई स्फीयर है और हमारा जो पार्टिकल है वो एक रफ्तार से नीचे की ओर लिक्विड में बैठ रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा डायमीटर होता है वो क्या कहलाता है। आसान तरीके से कहें तो एक हमने लिक्विड लिया, उसमें हमारा जो एक स्फीयर था जिसका डायमीटर हमको नोन था, हमने उसको उसमें ऐड किया और उसी के साथ में सेम टाइम पे हमने अपने पार्टिकल को ऐड किया और वो एक रफ्तार से अगर नीचे की ओर बैठ रहे हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा स्फीयर है उसके डायमीटर से हम लोग अपने पार्टिकल के डायमीटर को कंपेयर करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा डायमीटर पार्टिकल का निकलता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा फेरेट्स डायमीटर, दूसरा ऑप्शन है हमारा मार्टिन्स डायमीटर, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रोजेक्टेड डायमीटर और अंतिम ऑप्शन है हमारा स्टोक्स डायमीटर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द डी स्टोक्स डायमीटर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हाउसनर्स रेशियो, ये जो हमारा हाउसनर रेशियो होता है वो क्या होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी, दूसरा ऑप्शन है हमारा बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी, तीसरा ऑप्शन है हमारा बल्क वॉल्यूम अपॉन वाइड वॉल्यूम और अंतिम ऑप्शन है हमारा वाइड वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम। तो जो हमारा हाउसनर रेशियो होता है वो हमारा होता है ए टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए टैप डेंसिटी ऑब्लिक बल्क डेंसिटी या अपॉन बल्क डेंसिटी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एडिशन पिपेट इज वाइडली यूज्ड मेथड टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बाई। ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा माइक्रोस्कोपिक मेथड, दूसरा ऑप्शन है हमारा वो सेडिमेंटेशन मेथड, तीसरा ऑप्शन है हमारा सीविंग मेथड और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमारा एडिशन पिपेट होता है उसको हम लोग एक तरह से यूज करते हैं अपने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए, बट ये किस मेथड पे काम करता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी सेडिमेंटेशन मेथड के प्रिंसिपल पे हमारा एंडरसन पिपेट वर्क करता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एंडरसन अपरेटस कंसिस्ट ऑफ, ये जो हमारा अपरेटस होता है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बैलेंस, दूसरा ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रोड, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर और अंतिम ऑप्शन है पीपेट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी हाइड्रोमीटर। तो जो हमारा एंडरसन अपरेटस होता है उसमें हम लोग हाइड्रोमीटर को यूज करते हैं अपने लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करने के लिए। तो अगर यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वहां पे आपका दिया होता है हाइड्रोमीटर और साथ में अगर पीपेट भी दिया है और ये कहता है कि इस कंडीशन में जो हमारा हाइड्रोमीटर है और जो हमारा पीपेट है वो दोनों यूज होते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर उस कंडीशन में वो होगा क्योंकि जो हमारी पीपेट है उनको भी हम लोग वहां पे सैंपल को कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हीलियम पिकनोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, जो हमारा हीलियम पिकनोमीटर होता है उसको हम लोग यूज करते हैं किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए। ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा साइज, दूसरा ऑप्शन है हमारा ट्रू डेंसिटी, तीसरा ऑप्शन है हमारा द सेडिमेंटेशन रेट और अंतिम ऑप्शन है सरफेस एरिया। तो जो हमारा हीलियम पिकनोमीटर होता है उसको हम लोग अपने पार्टिकल्स की या अपने पाउडर की ट्रू डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी ट्रू डेंसिटी। तो जो हमारी हीलियम गैस होती है उसको हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं, वो हमारे जो वाइट स्पेस हैं उनके अंदर फिल हो जाता है जिसके कारण कि जो हमारे पाउडर हैं उनकी जो ट्रू डेंसिटी होती है उसको हम आसानी से मेजर कर लेते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द पोरेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, जो हमारी पोरेसिटी होती है हमारे पाउडर की उसको हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा परसेंटेज, दूसरा ऑप्शन है हमारा मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है ग्राम पर मिलीमीटर और अंतिम ऑप्शन है न्यूटन। तो अगर हम अपने जो हमारा पाउडर है जो हमारे पार्टिकल है उनकी पोरेसिटी के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग अक्सर जो है परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए परसेंटेज।
अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द पोरेसिटी ऑफ द पाउडर इज इक्वल टू, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा रेशियो ऑफ वाइड वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम, दूसरा ऑप्शन है हमारा सम ऑफ द वाइड वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द वाइड वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम, और अंतिम ऑप्शन है वाइड वॉल्यूम ओनली। तो अगर हम पोरेसिटी के बारे में बात करते हैं, उसकी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारा रेशियो होता है वाइड वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम का। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, रेशियो ऑफ वाइड वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो जो हमारा है वाइड वॉल्यूम है अपॉन द बल्क वॉल्यूम, ये दोनों हमारे वॉल्यूम हैं, तो इस कंडीशन में इनकी जो एक तरह से यूनिट है वो कट जाएगी, तो इसीलिए इसको हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर ए स्फेयर वैल्यू ऑफ अल्फा एस अपॉन अल्फा वी इक्वल टू, जो हमारा होता है स्फेयर उसके लिए जो हमारा अल्फा एस अपॉन अल्फा वी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है हमारा 3, दूसरा है 6, तीसरा है 9 और अंतिम है 12। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा अगर पार्टिकल स्फेरिकल है गोलाकार है, तो उस कंडीशन में जो हमारा अल्फा एस अपॉन अल्फा वी वो इक्वल होता है 6 के, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी 6। तो अगर हम बात करते हैं अल्फा एस के बारे में, तो ये क्या होता है, ये हमारे पार्टिकल का सरफेस एरिया होता है। तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, द सरफेस एरिया इज इक्वल टू अल्फा एस डी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर, और जो हमारा वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ये इक्वल होता है अल्फा वी इंटू डी स्क्वायर के, और ये इक्वल होता है हमारा पाई डी स्क्वायर अपॉन 6। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, अल्फा एस अपॉन अल्फा वी होगा, तो उस कंडीशन में जो हमारा है पाई डी स्क्वायर ऊपर वाला और जो हमारा पाई डी स्क्वायर नीचे वाला है ये आपस में एक दूसरे से कट जाएगा, तो जो हमारी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो होगी 1/1/6। तो हमारा 6 ऊपर आ जाएगा, तो जो हमारा अल्फा एस अपॉन अल्फा वी की वैल्यू आएगी वो हमारी 6 होगी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी 6। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर ए स्फीयर वैल्यू ऑफ अल्फा एस अपॉन अल्फा वी इक्वल टू 6, बट फॉर एन एसिमेट्रिक पार्टिकल, तो जो हमारे स्फेरिकल पार्टिकल है उनकी जो अल्फा एस अपॉन अल्फा वी की वैल्यू है वो 6 होती है, बट जो हमारे एसिमेट्रिक पार्टिकल होते हैं जो स्फेरिकल नहीं होते हैं उनकी जो हमारी अल्फा एस अपॉन अल्फा वी की वैल्यू है वो क्या होती है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इक्वल टू 6, दूसरा ऑप्शन है हमारा लेस देन 6, तीसरा ऑप्शन है हमारा मोर देन 6 और अंतिम ऑप्शन है हमारा 12। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे एसिमेट्रिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी अल्फा एस अपॉन अल्फा वी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 6 से कम होती है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी लेस देन 6। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हाई रिपोज एंगल ऑफ द ग्रेन्यूल इंडिकेट, अगर जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं उनकी जो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू है अगर वो हाई है तो वो क्या इंडिकेट करता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द बल्क डेंसिटी ऑफ द ग्रेन्यूल, दूसरा ऑप्शन है हमारा पोरेसिटी ऑफ द ग्रेन्यूल, तीसरा ऑप्शन है हमारा रफनेस ऑफ द ग्रेन्यूल सरफेस और अंतिम ऑप्शन है हमारा स्मूथनेस ऑफ द ग्रेन्यूल सरफेस। तो अगर हम एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में वो उसी कंडीशन में ज़्यादा हाई होगा जब हमारे जो ग्रेन्यूल्स हैं उनकी सरफेस रफ होगी, तो उस कंडीशन में जो हमारा फॉर्म होगा पिरामिड उसका एंगल काफ़ी ज़्यादा होगा अगर पार्टिकल हमारे रफ होंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, रफनेस ऑफ द ग्रेन्यूल सरफेस ज़्यादा होगा जब हमारा एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा होगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, फॉर गुड फ्लो प्रॉपर्टी एंगल ऑफ रिपोज शुड बी, अगर जो हमारे पार्टिकल है जो हमारा पाउडर है उसकी अच्छी अगर हमें फ्लो प्रॉपर्टी चाहिए तो उस कंडीशन में उसका एंगल ऑफ रिपोज कितना होना चाहिए, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है हमारा लेस देन 30 डिग्री,
तीसरा ऑप्शन है हमारा 30 to 40 degree और अंतिम ऑप्शन है हमारा ग्रेटर देन 40 degree। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द गुड फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में, तो उस कंडीशन में जो हमारे पाउडर्स होते हैं उनका जो एंगल ऑफ रिपोज होना चाहिए वो 30 degree से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, लेस देन 30 degree। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। द एंगल ऑफ रिपोज वैल्यू आर यूटिलाइज टू, जो हमारे एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू होती है वो हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मेजर द मूवमेंट ऑफ द ग्रेन्यूल्स फ्रॉम द हूपर टू द टेबलेटिंग कैप्सूलिंग मशीन। दूसरा ऑप्शन है हमारा वो सेलेक्ट प्रॉपर कंटेनर फॉर द कैप्सूल ऑफ ए गिवन मास ऑफ द पाउडर। तीसरा ऑप्शन है हमारा स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। और अंतिम ऑप्शन है हमारा अंडरस्टैंड डिसोल्यूशन ऑफ द मेडिकामेंट। तो अगर हम एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात करते हैं, तो इसके एक तरह से पहले भी हम लोगों ने बात किया कि ये हमारे फ्लो प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करता है। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं जब हम अपने वो टेबलेट वगैरह या कैप्सूल वगैरह को प्रिपेयर करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारे ग्रेन्यूल्स होते हैं वो हूपर से प्रॉपरली हमारी जो होती हैं डाइज वगैरह जो हमारा है मशीन उसके अंदर प्रॉपरली फ्लो कर रही है कि नहीं, उसको मेजर करने के लिए हम एंगल ऑफ रिपोज अपने पाउडर का यूज करते हैं या ग्रेन्यूल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, मेजर द मूवमेंट ऑफ द ग्रेन्यूल्स फ्रॉम द हूपर टू द टेबलेटिंग एंड कैप्सूलिंग मशीन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इफ द कास्क कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स वैल्यू इज इन बिटवीन द 26 to 31 देन फ्लो विल बी, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एक्सीलेंट, दूसरा ऑप्शन है पासेबल, तीसरा ऑप्शन है पुअर और अंतिम ऑप्शन है वेरी वेरी पुअर। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स के बारे में, तो इसकी जो हमारी वैल्यू है अगर वो 26 से 31 के बीच में होती है तो उस कंडीशन में हमारा जो फ्लो है वो किस तरह का होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, पुअर। तो जो हमारा होता है कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स होता है, अगर उसकी जो वैल्यू है वो 10 से कम होती है तो वो हमारा फ्लो वहाँ पे एक्सीलेंट होता है। अगर वो 11 से 15 के बीच में होती है तो फ्लो प्रॉपर्टी हमारे पाउडर की गुड कहलाती है। अगर वो 16 से 20 के बीच में होता है तो वो फेयर रहता है, ठीक ठाक फ्लो प्रॉपर्टी होती है। और अगर 21 से 25 के बीच में है तो वो एक तरह से पासेबल होता है, उसको हम लोग अलाउ कर देते हैं। और अगर ये हमारा एक तरह से 26 से 31 के बीच में होती है तो ये हमारे लिए काफ़ी पुअर होती है, या हम कह सकते हैं उसकी फ्लो प्रॉपर्टी काफ़ी पुअर होती है। और अगर ये हमारा 32 से 36 के बीच में होता है तो जो हमारी फ्लो प्रॉपर्टी है वो वेरी पुअर कहलाती है। और अगर वो 36 के ऊपर होता है तो उस कंडीशन में जो हमारी फ्लो प्रॉपर्टी है वो वेरी वेरी पुअर फ्लो प्रॉपर्टी कहलाती है। अब हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। द स्टोक्स लॉ कैन नॉट बी यूज्ड इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज मोर देन, जो हमारा स्टोक्स लॉ है उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं अगर हमारा जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो ज्यादा होता है। तो हम देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा 0, दूसरा ऑप्शन है हमारा 0.2, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1.0 और अंतिम ऑप्शन है हमारा 2.0। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द स्टॉक्स लॉ, तो उस कंडीशन में अगर जो हमारा फ्लो प्रॉपर्टी है उसमें जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है वो 0.2 से ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में हम स्टॉक्स लॉ को यूज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, 0.2। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो उनको अगर आप कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो वो स्टूडेंट को हेल्प करेगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।